कोटा, रतनपुर, लालपुर क्षेत्र के गांवों एवं जंगलों में प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। दिन के समय खुलेआम जंगलों में लगे पेड़ों को कतार मशीन से काटा जा रहा है और रात के समय यह अवैध कारोबार करने वाले लकड़ियों की ढुलाई कर रहे हैं। अवैध कारोबारी जंगलों से पेड़ों की कटाई करते हैं और उसे आरा मशीनों एवं हलवाई की दुकानों पर ऊंचे दामों में बेच देते हैं। यह आरोप क्षेत्र के लोगों ने लगाते हुए बताया कि विभाग को जानकारी होने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। राजू जगत, तो कैसे लेके आए हो गाड़ियाँ? राजू जगत बोला है, गाड़ी वाले है? तो मैं अच्छा, तो ये कहाँ ले जाओगे इसको लोड करके? पता नहीं, लकड़ी वाले जाने का कहाँ ले जाएगा, अच्छा उतना मालूम नहीं मेरे को भी। अच्छा, तो गाड़ी किराया में लाया है? हाँ। क्या ड्राइवर हो? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, गाड़ी राजू जगत का? हाँ, राजू जगत का। बताया कि इन दिनों ग्राम लालपुर सहित अन्य गांवों में पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई चल रही है। मौके पर पहुंचकर पूछे जाने पर शिवपुर सरपंच से अनुमति लेने की बात कही गई। यहां तक कि सरपंच के ट्रैक्टर से लकड़ियों की सप्लाई की जा रही है। ऐसा क्या है कि सरपंच हरे भरे पेड़ों को काटने की अनुमति दे रहे हैं? क्या जंगल को बर्बाद करने में सरपंच के हाथों में या वन विभाग सारा ठेका सरपंच को दे रखा है? यहाँ तक कि सरपंच ने लकड़ी का फोटो खींचो, ट्रैक्टर का नहीं, बोल चमकने लगे। इसकी जानकारी शाम को रेंजर शांता कश्यप को दिया गया, जो सुबह उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि अवैध कारोबारी दिन दहाड़े पेड़ों को काट कर वहीं पर छोड़ देते हैं, इसके बाद रात के दूसरे पहर में इसका परिवहन किया जाता है। क्षेत्र के कई गाँव में दोपहर को अभी भी कटाई की जा रही है। क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि पौधे सालों बाद विकसित होकर पेड़ का रूप लेते हैं, जिससे पर्यावरण के साथ लोगों को ही कई फायदे मिलते हैं, लेकिन थोड़े रुपयों के लालच में उसे काटा जा रहा है, जिस पर रोक नहीं लग रही है। ये लकड़ी किसका? मैं मालिक का तो नाम नहीं बता सकता उन लोगों। तो पूरा लकड़ी खरीदे हैं? नहीं भैया, ये सिर्फ एक ट्रिप लकड़ी। अच्छा, कितना मिली है? 6000 रुपये। 6000 रुपये कहाँ ले जाओगे? रोहिनाडी। ये तो गैर कानूनी है, आपको मालूम है कि नहीं? ये हरा भरा है, अपना प्राइवेट लकड़ी है बोले हैं, जगह जमीन को बेचना है ऐसा बोले हैं। ऐसा हमको कोई दिक्कत नहीं है, लफड़ाबाजी होगा तो हम छोड़ देंगे, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी तो है नहीं, क्योंकि अपन को स्कूल चलाना है, स्कूल की लकड़ी चाहिए, तो कहीं भी जगह हमको पैसे में लकड़ी मिल जाएगा भैया, ऐसा बात तो है ही नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम महेश दास है। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यस्ततम आवाजाही वाले क्षेत्रों में वन माफिया खुलेआम हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। एक ओर शासन प्रशासन पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा बुलंद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी रक्षा में तैनात वन कर्मियों के सह पर पेड़ों को काटा जा रहा है। जानकारी के अनुसार हरे भरे पेड़ों को काट कर आरा मशीनों में बेचा जा रहा है। आगे देखे इन लोगों पर सरपंच और सरपंच के ट्रैक्टर पर क्या कार्रवाई होती है। बिलासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, सीजी विजन टीवी।